चलो आज के इसमें हम देखेंगे इंडक्शन के जो पार्ट्स है उसको कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे इंडक्शन में बेसिक पार्ट्स हैं, तो कॉइल सेंसर हो गया, दो हाई वोल्टेज कैपेसिटर हो गए, ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, IGBT, फ्यूजेबल रजिस्टर, 10 एम्पियर का फ्यूज, 4.7 का सप्लाई का कैपेसिटर हो गया, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं। मीटर को मैंने रेजिस्टेंस मोड में सेट कर दिया, ये रीडिंग दे रहा है 2300, मतलब ये सही है यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे IGBT चेक करना है, अगर ये हमारा IGBT है 25 एम्पियर का। सबसे पहले हम ये रेड वाला जो है गेट इमीटर कलेक्टर, ये इसकी पिन से, ये गेट को मैंने इमीटर से करा, कोई रीडिंग नहीं है इमीटर पे, कुछ नहीं है। अब मैं इसको कलेक्टर और इमीटर के बीच में देखता हूँ, तो मुझे एक डायोड का ड्रॉप दिख रहा है। अगर ये डायोड का ड्रॉप आ रहा है तो आपका जो है IGBT चालू है, अगर यहाँ पे कोई बजर का साउंड आता है तो आपका IGBT जो है वो ख़राब हो चुका है। अब हम हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी चेक कर लेते हैं, ये नेगेटिव की पिन है, AC का इनपुट लाइन है लाइन न्यूट्रल, और ये प्लस साइन है। रेड वाला प्रोब मैं माइनस पे रख रहा हूँ, 1 पॉइंट ये आ रही है रीडिंग 2.5, और इसके ऊपर जो आएगी दोनों की जॉइंट रीडिंग आएगी 1। अगर इसमें से किसी पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका जो रेक्टिफायर है वो ख़राब है पूरा। अब हमारा फ्यूज चेक कर लेते हैं, फ्यूज को सिंपल हम कंटिन्यूटी पे चेक कर लेते हैं। अगर बजर बज रहा है इसमें तो हमारा फ्यूज जो है वो ओके है। अब कैपेसिटर्स को चेक कर लेते हैं, इस मीटर के अंदर कैपेसिटर मेजर करने का फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर, इसको इस पर ले लेता हूँ। रीडिंग दे रहा है ये 306 नैनो फेराड, मतलब माइक्रो फेराड में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 माइक्रो फेराड का जो है ये कैपेसिटर है, ठीक है। बार देख लेते हैं इसमें इसकी फिजिकल वैल्यू क्या आ रही है, इसकी जो वैल्यू है वो 0.03 माइक्रो फेराड है। अगर माइक्रो कोई भी कैपेसिटर हमारा ख़राब हो गया हो तो खुल जाएगा या लीक कर जाएगा, तो उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, इस वाला आपका जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं, ये 4.8 का है। हर कैपेसिटर में अपना एक टॉलरेंस रहता है, 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, मतलब मीटर जो है रीडिंग सही दे रहा है। जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है इनको बेसिकली एक बार फिजिकल चेक कर लें, इनका विजुअल करके कि कहीं से लीक तो नहीं हो गए या किसी तरह का कोई बम्प या डिसओरिएंटेशन तो नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो आपका वो कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो चुका है। अब इस कॉइल सेंसर को भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये मैं इसको अगर जैसे अभी ओम्स में रखता हूँ इसको यहाँ पे, ये अभी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पर मेरे को ये 100 किलो के आसपास ही रीडिंग देगा, डिफ़ॉल्ट रीडिंग इसकी। ये देखिए इसमें रीडिंग दे रहा है मेरे को 94.8 किलो की। अब जैसे जैसे मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो इसकी जो रीडिंग है वो कम होती जाएगी। अगर इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है इसका मतलब ये ख़राब हो चुका है। तो आज के इसमें हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।